तो इस तरफ जो है थ्री साइड ब्लॉक साइड है और लिफ्ट फ्रंट साइड जो है ओपन है, तो कैसे वेंटिलेशन रखना है वो भी स्पीड में दिखाएंगे। तो यहीं पे जो बेडरूम आएगा तो यहीं पे आउटसाइड का ऑल वॉल 10 इंच आएगा और इनसाइड में पार्टीशन वॉल 5 इंच आएगा। तो वॉल को थोड़ा मार्किंग कर देते हैं, तो इस तरफ का वॉल हमने प्रोवाइड किया, साथ में वेंटिलेशन विंडो का पोजीशन भी दिखाएंगे। तो ये हमारा देखिए वो आउटसाइड का चौड़ा वाला वॉल जो है 10 इंच है, इनसाइड में पार्टीशन वॉल 5 इंच का रखा गया है। तो यहीं पे विंडो पोजीशन यहीं पे रखा है, इस तरफ जो क्रॉस दिखाया है यहीं पे वेंट यानी कि ओपन फेस है। तो यहीं पे इस तरफ ये बेडरूम का विंडो इस तरफ प्रोवाइड कर दिया और ये बेडरूम का विंडो इस तरफ प्रोवाइड कर दिया और किचन का विंडो इस तरफ रखा है और ये बेडरूम का विंडो इस तरफ रखा है। यहीं पे वैकेंट एरिया भी रखा है, यहीं पे ट्री वगैरह रख सकते हैं, बाहर में छोटा ट्री रख सकते हैं जो बिल्डिंग का लुक अच्छा दिखाई देगा। और यहीं पे कार पार्किंग है, तो यहीं पे थोड़ा टाइपिंग करके आपको अच्छा से समझा देते हैं। तो इस तरफ एक बेडरूम है और इस तरफ एक बेडरूम और एक बेडरूम इस तरफ है। और यहीं पे तो यहीं पे देखिए जो मेन एंट्री है इस तरफ है, तो यहीं पे आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाएगा एंट्री में। तो यहीं पे ड्राइंग भैया ड्राइंग रूम, यहीं पे सोफा वगैरह सेट किया। तो ये बेडरूम का सिंबल है बेड का, एक ये भी बेड लगाया है, कैसे पोजीशन देख लीजिए अपने हिसाब से आप भी बेड को सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे आ जाएगा डाइनिंग हॉल, यहीं पे डाइनिंग और किचन हमारा इस तरफ प्रोवाइड किया। इस तरफ किचन हो गया। नेक्स्ट यहीं पे आएगा टॉयलेट, यहीं पे ये कॉमन टॉयलेट है, लैट्रिन कम बाथ कंबाइंड कर दिया गया यहीं पे। और इस तरफ आ जाएगा अटैच टॉयलेट, ये बेडरूम के साथ यहीं पे ये अटैच कर दिया है। इसका जो मेज़रमेंट आएगा बेडरूम का मेज़रमेंट वेट किया 12 फीट बाय 10 फीट का, थ्री बेडरूम का साइज सेम रखा गया है 10 फीट बाय 12 फीट। और यहीं पे टॉयलेट का साइज आ जाएगा 5 फीट बाय इस तरफ आ जाएगा 7 फीट 6 इंच, ठीक है। और इस तरफ आ जाएगा डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल बड़ा सा एक हॉल है, तो 19 फीट 11 इंच और इसका जो विड्थ रहेगा 9 फीट 2 इंच। किचन का साइज 9 फीट 2 इंच बाय विड्थ 8 फीट। और इसके बाद यहीं पे बेडरूम का भी सेम साइज 12 फीट बाय इस तरफ आ जाएगा 10 फीट 12 बाय 10। और ड्राइंग रूम का साइज आ जाएगा 10 फीट 10 इंच विथ 8 फीट 6 इंच। नेक्स्ट यहीं पे अटैच टॉयलेट, इसका साइज 4 फीट बाय विथ 5 फीट 5 इंच। और एंट्री में यहीं पे जो फेस आपको मिल जाएगा इस तरफ एक 3 फीट 6 इंच का फेस मिलेगा और इसका लेंथ वाइज 17 फीट 11 इंच। और स्टियर यहीं पे प्रोवाइड किया, स्टियर का आप इस तरफ रखा है, इस तरफ घूम के इस तरफ आएगा फिर इस तरफ आएगा, तो इसका नीचे जो गैप है आसानी से आप एक कार पार्किंग कर सकते हैं। तो इसका जो विथ मिल जाएगा 9 फीट 5 इंच और लेंथ वाइज 17 फीट 3 इंच। तो ये हमारा
मेजरमेंट का डिटेल से। नेक्स्ट चलते हैं इसका जो कॉलम पोजीशन है। सो गाइस दिस इज हमारा कॉलम का पोजीशन है, येलो कलर का इधर बॉक्स प्रोवाइड किया, यहीं पे आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। तो यहीं पे बिल्डिंग में आपको टोटल 20 नंबर्स कॉलम यहीं पे जरूरत रहेगा, 10 इंच बाई 10 इंच का। ये ओनली जी प्लस वन के लिए है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता देते हैं। अप्रॉक्स कॉस्ट यहीं पे आ जाएगा 1200 स्क्वायर फीट के लिए आपको 16 लैक्स खर्च यहीं पे आ जाएगा इस बिल्डिंग कंप्लीट करने में, ओनली ग्राउंड फ्लोर टोटल फिनिशिंग के साथ। तो मटेरियल्स का कॉस्ट वाइज लोकेशन वाइज आपको थोड़ा वेरिएशन आ सकते हैं, तो डिपेंड करेगा मटेरियल्स का ऊपर। तो ख़त्म करते हैं वीडियो के यहीं पे, नेक्स्ट मिलेंगे दूसरा कोई न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।